बातें हमारे सभी वक्ता साथियों ने बताया जवाहर साहब भीम का त्याग और बलिदान उनके आदर्श हमें अपनाने की जरूरत है उस राहों पे पक्ष चिन्हों पे चलने की जरूरत है जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे अभी भी एक महिला वक्ता प्रदर्शी जी बता रही थी और ये कहानी हर परिवार की हर घर की अगर औरतें चाहे बहने चाहे तो निश्चित रूप से पुरुष का सम्मान बढ़ेगा अगर चाहे दे लोगे लो तो घर का आदमी घर हो तो नहीं आगे तनखो न होगी लेकिन माता रमा बाई का त्याग और बलिदान कितना ऊंचा रहा बाबा साहब विदेशों में पढ़ रहे थे रात को पानी पी पी करके पैसा नहीं था कि रात को भोजन किया जाए बिस्कुट खा के पानी पी के रात रात भर किताबें पढ़ा करते थे उसी समय की बात है जैसे भैया बाबा साहब अपनी पत्नी रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे मोबाइल का जमाना टेलीफोन का जमाना नहीं था चिट्ठी लिख करके बातें होती थी अपने हालचाल चिट्ठी में भेजते थे और घर के परिवार के सदस्यों का अपने बच्चों का हालचाल जानते थे माँ रमाबाई अपने दुख को छिपा करके अपने पति को पढ़ाने के लिए दुनिया का महान विद्वान बनाने के लिए कुछ बातों को छिपा देती थी हाल चाल सब अच्छा है लेकिन यहाँ जिंदगी कैसे बीते लकड़ी बिटोर के गोबर के जमुना के माता बहन लोग छिपड़ी पात के गोठा उबला कहल जरा ओके पात के बाजार में बेच के लेकिन के दवाई के काम भोजन के काम चले कुछ पैसा बचा बचा के रखा बाबा साहब चिट्ठी में लिखल कि रामू हमारी पढ़ाई के लिए किताबों के लिए पैसा कम पड़ रहा है कुछ पैसे अगर संभव हो अगर जुटा के कहीं रख ले होकर चुरा के तो कुछ पैसा हमके यहाँ भेज दो लेकिन के दवाई के पैसा काट के उनके खाना के पैसा काट के रोटी के पैसा काट के रमा भाई जी अपने पति के पढ़ावे खातिर विदेश में पैसा पठावत बने रुपया भी दस
कि घर में लड़का के लाश होके अमरत समाज खातिर मीटिंग में जात होके गोल में सम्मेलन में जात होके ये धरती के कौन ऐसे मेहरारू हुई जो मैं अपने पति के जाए दे अगर पति चल जाए तो मेहरारू की मर्द के माफ कर दी। इतना बड़ा अत्याचार इतना बड़ा बलिदान करने वाली न्याय की मूर्ति साक्षात देवी के रूप में उस देवी का नाम है माता रमाबाई, जिनके पास अपने बेटे राज रतन के जीवन का सवाल हो। बाबा साहब ने कहा कि रामू अगर एक राज रतन के लिए अपने बेटे के लिए गोलमेज सम्मेलन में जाने से रुक जाता हूं तो हमारे करोड़ों करोड़ों राज रतन का कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए हमें अपने बेटे का बलिदान देना होगा। ऐसी देवी दया की मूर्ति रमाबाई अपने कलेजे पे पत्थर रख करके और अपने पति को हमारी आपकी खुशहाली के लिए भेजती है गोलमेज सम्मेलन में। तो ऐसे कहना था ताप के रूप में संविधान लिखने के बाद तो हमारे शुद्र समाज के लोग बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर इंजीनियर बने आईएएस पीसीएस बने। तो बाबा साहब ने अफसोस जताते हुए अधिवेशन में कहा था कि हमें सबसे बड़ा धोखा हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया, जो लोग आरक्षण को पाकर के संविधान के तहत नौकरी पाए वो लोग अपने बीवी में टीवी में बच्चों में मस्त हो गए, बढ़िया घर बनोला में बढ़िया मेहरारू लीला में लड़का के सेवा सत्कार में अपने परिवार में सीमित हो गए, समाज को छोड़ दिया। और आज भी एक दशा है संचालक महोदय, जो चंदा देते होंगे जो सर्विस करता है, अगर गांव में पांच वो सर्विस वाला हो जाए तो हो सके कि एक आध आदमी सेवा दे थोड़ी चंदा दे थोड़ी, बाकी गरीब लोग जो मजदूरी करता है वो आदमी जरूर 100-200 देता है। इस बात को बाबा साहब अफसोस के रूप में पहली बार अधिवेशन में कहा था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं ये सारी कमियां हमारे लिए जिसने त्याग किया आज उसके नाम पे हम कुछ कर नहीं रहे, इसलिए ये समाज चला जा रहा है, इसलिए कहना है के लोगों को आने वाली पीढ़ियों को नौजवानों को संदेश देते हुए कभी भी गलत इशारा करती है इसे जो भी
कई समझदार साथी हैं जिन्होंने बाबा साहब के जीवन दर्शन को उनके विचारों को पढ़ा है, उनका यह फर्ज है, उनका यह दायित्व है। जो साथी नहीं समझ सका, नहीं जान सका, उनको कहीं ना कहीं गाइडलाइन करें, उनकी मदद करें ताकि ये कार्रवाई एक एक करके 11 हो बढ़ता जाए। हमारे भाई साहब लाल यादव जी विभाग के सुंदर कलाकार हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यही संदेश है गीत के माध्यम से। और भैया लाल भैया नाच वाले भैया की तरफ से कमेटी है इनकी, आपके द्वारा सम्मान किया गया सारे देवी लोग। लगने की जरूरत है कारवा संघर्ष।